हाय गाइस, दिस इज मेहुल मेहता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर एंड इसको यूज कैसे करते हैं। तो या लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो अगर किसी भी दो वैल्यू को अगर आपको कंपेयर करना हो राइट, तब आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो पाइथन के अंदर छह तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, विच आर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो बेसिकली अब अपन समझते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं एंड इसका पाइथन के अंदर कोड इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। तो लेट्स से फर्स्ट अपन देखते हैं इक्वल टू। तो जैसे एक सेकेंड, तो लेट्स से मैंने दो वेरिएबल लिए ए एंड बी। मैंने ए में वैल्यू असाइन की 5 एंड बी में मैंने वैल्यू असाइन की 6 एंड मैंने चेक किया कि क्या ये दोनों बराबर है। मैं चेक कैसे करूंगा, मैं डबल पाइथन के अंदर जब भी मुझे कोई दो चीज इक्वल टू करनी हो, मतलब इक्वल टू का चेक करना हो, तो आप डबल इक्वल टू यूज करेंगे। तो ए इक्वल टू बी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मुझे आउटपुट आएगा ट्रू, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आउटपुट आएगा फॉल्स। तो अपन देख, अपन को पता है बिकॉज की 5 इज नॉट इक्वल टू 6, क्या ये दोनों बराबर है, बिकॉज ये दोनों बराबर नहीं है एंड ये जो दो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। तो अपन एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि एग्जांपल में ये सब कैसे होता है। तो मैंने क्या किया कि ए में वैल्यू डाली 5 एंड बी में मैंने वैल्यू डाली 6 एंड मैं चेक कर रहा हूँ ए इक्वल टू बी। तो जैसे मैं इसमें शिफ्ट एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने शिफ्ट एंटर दबाया तो आंसर आ रहा है फॉल्स, बिकॉज ये जो कंडीशन है ए इक्वल टू बी ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब लेट्स से मैंने वापस दो वेरिएबल लिए ए और बी एंड दोनों में सेम वैल्यू डाली एंड अगर मैं कंडीशन चेक करूंगा क्या कि ये दोनों बराबर है, बिकॉज अपने को पता है कि ये दोनों बराबर है एंड जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, इससे जो आउटपुट है वो आएगा ट्रू। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एक इक्वल टू एंड दो इक्वल टू में क्या फर्क होता है, इन दोनों में क्या फर्क है। पाइथन के अंदर जब आप एक इक्वल टू कब यूज करते हैं, जब आपको वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी हो। लेट्स से एक वेरिएबल है ए, इसमें अगर मुझे लेट्स से कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो मैं क्या लिखूंगा ए इक्वल टू 7। बट अगर मुझे लेट्स से ऐसे ही मैंने एक वैल्यू ली, वेरिएबल लिया बी, उसमें मुझे अगर वैल्यू असाइन करनी है तो मैंने लिखा बी इक्वल टू 8। बट अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना हो कि क्या ये दोनों इक्वल है, तो मैं क्या से लिखूंगा ए इक्वल टू बी, तब मैं दो इक्वल टू यूज करूंगा। बट अगर मुझे किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करनी है तो मैं एक इक्वल टू यूज करूंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि एक इक्वल टू तब यूज करता है जब आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी हो एंड दो इक्वल टू तब यूज करता है जब आपको बेसिकली कंपेयर करना हो कि क्या जो मेरे दोनों वेरिएबल है क्या वो बराबर है या नहीं है। तो ऐसे अपन जो सेकेंड ऑपरेटर है वो अपन चेक करते हैं, नॉट इक्वल टू। बेसिकली आपने मैथ्स मैथ में पढ़ा होगा कि ए नॉट इक्वल टू बी, आप ऐसे लिखते करें। बट पाइथन के अंदर आप कैसे लिखते हैं, ए एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है नॉट इक्वल टू बी। तो अगर मैं लिखता हूं जैसे सी is not equal to 4, because ये condition एकदम सही है। इसका हिंदी में क्या translation है, इसका हिंदी में ये translation है क्या 3 4 के equal नहीं है, क्या वो दोनों बराबर नहीं है, because ये दोनों बराबर नहीं है इसलिए जो इसका output आ रहा है वो आएगा true। But अगर मैं लिखता हूँ 4 is not equal to 4, 4 is not equal to 4, because ये जो condition है ये satisfy नहीं कर रही है इसलिए जो इसका output आएगा वो आएगा false, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं 3 इज नॉट इक्वल टू 4, विच मीन्स कि क्या कि 3 4 के बराबर नहीं है, हाँ अपने को पता है कंडीशन एकदम सही है इसलिए आंसर आया ट्रू। एंड इस कंडीशन में क्या 4 4 के बराबर नहीं है, अपने को पता है कि 4 4 के बराबर है इसलिए जो कंडीशन है ये जो कंडीशन है ये इनकरेक्ट हो जाएगी, इसलिए आउटपुट आ रहा है फॉल्स। अपन थर्ड कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं, ए इज लेस देन बी, बिकॉज अपन ने ये सब स्कूल में पढ़ा हुआ है कि लेट्स से 3 इज लेस देन 4, क्या ये कंडीशन सही है, बिकॉज अपने को पता है हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो आउटपुट आएगा ट्रू। बट अगर कंडीशन लेट्स से सेटिस्फाई नहीं करती, अगर मैं यहाँ पे लिख देता 2, तो जैसे अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो आउटपुट आएगा फॉल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैंने ये सेम चीज मैंने वेरिएबल असाइनमेंट से की, मैंने ए में वैल्यू डाली 3
बी में मैंने वैल्यू डाली 4 एंड मैं चेक कर रहा हूँ ए इज लेस देन बी, बिकॉज ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो रही है कि ए इज लेस देन बी, इसलिए जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा 2। अपन फोर्थ कंपेरिजन ऑपरेटर देखते हैं, वो है लेस देन और इक्वल टू। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ, ये इसको अपन कैसे पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ लेस देन इक्वल टू, राइट, तो अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा आउटपुट आएगा ट्रू। जैसे अगर लेट्स से मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा आउटपुट आएगा ट्रू, अगर मेरी सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब भी मेरा आउटपुट आएगा ट्रू, बट अगर मेरी दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही तो मेरा आउटपुट आएगा फॉल्स। अपन इसको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं सेम कॉन्सेप्ट। तो मैंने लिखा 4 इज लेस देन इक्वल टू 20, तो ये एकदम करेक्ट है बिकॉज 4 इज लेस देन 20, बिकॉज ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका जो पूरे का आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। सेकेंड में 20 इज लेस देन इक्वल टू 20, बिकॉज 20 इज इक्वल टू 20, तो जो होल आउटपुट है, जो होल कंडीशन है, इसका जो रिजल्ट है वो आएगा ट्रू। अब लेते हैं थर्ड एग्जांपल, 15 इज लेस देन इक्वल टू 14, बिकॉज ये जो दोनों कंडीशन है ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रही, बिकॉज ना ही 15 14 से कम है ना ही इन दो इसके बराबर है, इसलिए जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। जो फिफ्थ कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन। अपन इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, 82 लिखेंगे, 82 ग्रेटर देन 3 एंड शिफ्ट एंटर में दबाऊंगा, तो जैसे मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा आउटपुट आएगा ट्रू, बिकॉज अपने को पता है कि हाँ 82 जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी है। अगर मैं नंबर्स इंटरचेंज कर देता हूँ, क्या 3 इज ग्रेटर देन 82, अपने को पता है ये जो कंडीशन है ये एकदम गलत है, इससे जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। मैं सेम चीज वेरिएबल असाइनमेंट के थ्रू करता हूँ, मैंने ए में वैल्यू डाली 3, बी में मैंने वैल्यू असाइन की 82, एंड मैं जब ये कंडीशन चेक करता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, बिकॉज ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रही, इससे जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। सिक्स जो मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसमें भी जो ऊपर लॉजिक यूज हुआ था वो सेम लॉजिक यूज होगा। लेट्स से अगर मेरा एक भी जैसे अगर लेट्स से मेरा ये कंडीशन ये जो ऑपरेटर है ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू ट्रू, एंड अगर लेट्स से अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तब भी मेरा जो आउटपुट आएगा या जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आएगा ट्रू, बट अगर ये दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं कर रही तो आउटपुट आएगा फॉल्स। तो अपन एग्जांपल के थ्रू इसको चेक करते हैं। तो मैंने लिखा 90 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, बिकॉज 90 इज ग्रेटर देन 8 है, इसलिए जो इसका दोनों का जो इसका आउटपुट आएगा इस कंडीशन का जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। अब ऐसे ही मैंने लिखा 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, बिकॉज अपने को पता है ना ही 8 ग्रेटर देन 9 है ना ही ये दोनों बराबर है, इसलिए दोनों कंडीशन ये जो दोनों कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं कर रही, इससे जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। अब अपन देख दे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। तो बेसिकली तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं पाइथन के अंदर, जो कि है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, तो मैं आप एक मिनट पॉज करके इस डेफिनेशन को पढ़ लेना, मैं सीधा आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो बेसिकली एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जितनी भी आप कंडीशंस लिखेंगे एंड ऑपरेटर में, अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो आपका जो आउटपुट आएगा तो वो आएगा ट्रू। लेट्स से अगर ये जो मेरी कंडीशंस जो मैंने ये लिखी है, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मेरा आंसर आएगा ट्रू, बट अगर ये लेट्स से सेकंड केस में ये जो कंडीशंस है, अगर इनमें से कोई एक भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो आउटपुट आएगा फॉल्स। तो बेसिकली आपका आउटपुट ट्रू कब आएगा, जब जब आएगा तब जिसमें आपकी सारी कंडीशंस करेक्ट होगी, बट अगर आपकी कोई एक भी कंडीशन इसमें से फॉल्स हो गई या इन मतलब कोई एक ऐसी कंडीशन हो गई जो सेटिस्फाई नहीं करे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। अपन एग्जाम्पल के थ्रू सेम चीज देख लेते हैं। मैंने ए में वैल्यू डाली 200, बी में डाली 33, सी में डाली 500। अब मैं कंडीशन क्या चेक कर रहा हूँ, क्या ए बी से बड़ा है, अपने को पता है 233 से बड़ा है तो ये आउटपुट, तो इसका जो आंसर है वो है ट्रू। अब सी इज ग्रेटर देन ए, इसका क्या मतलब है, क्या 500 इज ग्रेटर देन 200, हाँ तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, बिकॉज ये जो दोनों कंडीशन है ये सेटिस्फाई कर रही है, इससे जो इसका आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है ट्रू। अब इसमें सेकेंड वाले केस में ए इज ग्रेटर देन बी, अपने को पता है कि हाँ ए जो है 200 इज ग्रेटर देन 33, बट तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू, बट अपन ने एक और कंडीशन डाली भी है, क्या सी इज लेस देन ए। अपन ने अभी देखा कि जो सी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ए है,
तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं करी, एंड अपने अपने जस्ट पढ़ा था, अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो आउटपुट जो आएगा वो फॉल्स आ जाएगा। तो बेसिकली अगर लेट्स से मैंने कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है, अगर मेरी दोनों कंडीशन ट्रू है तो मेरा आउटपुट आएगा ट्रू। जैसे कंडीशन 1, अगर मेरी एक भी कंडीशन, लेट्स से फर्स्ट कंडीशन फॉल्स एंड सेकंड कंडीशन ट्रू है, तब मेरा आउटपुट आएगा फॉल्स। लेट्स से फर्स्ट कंडीशन ट्रू सेकंड कंडीशन फॉल्स, तो मेरा आउटपुट आएगा फॉल्स। बट अगर एंड लेट्स से मेरी दोनों कंडीशन फॉल्स है, तब भी मेरा आउटपुट आएगा फॉल्स। तो अगर ट्रू एक ही केस में आएगा जब आपके दोनों जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही मैं काफी सारी कंडीशंस इंक्लूड कर सकता हूँ, जैसे सी इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज लेस देन बी। तो ऐसे में काफी सारी कंडीशन एंड लगा के और सारे बहुत सारी कंडीशन इंक्लूड कर सकता हूँ। अब अपन सेकेंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं, और ऑपरेटर क्या होता है। तो बेसिकली अगर आपकी कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो आपका आउटपुट आएगा ट्रू। एंड अगर लेट्स तो लेट्स से मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। लेट्स आपकी एक कंडीशन है, ये कंडीशन फर्स्ट है, ये कंडीशन सेकेंड है। तो लेट्स से अगर मेरा दोनों में ट्रू है तो मेरा आउटपुट जो आएगा वो आएगा ट्रू। अगर कोई लेट्स से मेरी जो फर्स्ट कंडीशन है वो है फॉल्स एंड सेकेंड कंडीशन ट्रू है, तब भी आंसर आएगा ट्रू। अगर लेट्स से फर्स्ट कंडीशन ट्रू सेकेंड कंडीशन फॉल्स, तब भी जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। बट अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इस केस में आउटपुट आएगा फॉल्स। आई होप ये सब आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, इसलिए मैं आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ। तो अब मैं आपको बता दूँ, अपन ने सेम एग्जांपल लिया, ए की वैल्यू 200, बी की वैल्यू 33 और सी की वैल्यू 500। मैं चेक करता हूँ क्या ए इज ग्रेटर देन बी है। हाँ, अपने को पता है कि 200 इज ग्रेटर देन 33, तो इसका आउटपुट आ गया ट्रू। तो अब अपन एक और कंडीशन चेक करते हैं कि सी इज लेस देन ए। अपने को पता है कि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, तो बट अपने को पता है कि एक कंडीशन अगर अपने ट्रू हो गई तो सारी तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। इसलिए अगर जैसे आप ये कोड इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। बट इसी केस में अगर आप लिखते हैं ए इज लेस देन बी, अपने को पता है ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, एंड सी इज लेस देन ए, ये भी कंडीशन फॉल्स है। जब दोनों कंडीशन फॉल्स है एंड अपन और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा फॉल्स। तो जो अपना लास्ट ऑपरेटर है वो है नॉट ऑपरेटर। तो अपन देखते हैं कि नॉट ऑपरेटर वो कैसे यूज करते हैं। अपन एक वेरिएबल लेते हैं एक्स, उसमें अपन वैल्यू डालते हैं 5, फिर अपन बोलते हैं एक्स इज नॉट 4। हाँ, तो एकदम सही तो है बात है कि एक्स की जो वैल्यू है वो 4 नहीं है, तो इसलिए जो उसका आउटपुट आ रहा है वो ट्रू है, बिकॉज जो अपनी एक्स की वैल्यू है वो तो 5 है। तो ऐसे ही इसलिए इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू। ऐसे ही अपन सेकेंड एक केस लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 10, कि एक्स की जो वैल्यू है वो 10 है। तो अपन क्या बोल रहे हैं इसमें, एक्स इज नॉट 4, कि जो एक्स की वैल्यू है वो 4 नहीं है। हाँ, तो ये जो कंडीशन है ये एकदम सही है कि एक्स की जो वैल्यू है वो 4 नहीं है, इसलिए जो उसका आउटपुट आ रहा है वो ट्रू आ रहा है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो, जिसमें अपन ने कंपैरिजन ऑपरेटर, 6 कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात की एंड 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात की है। अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, इस पे कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।